नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एक नया डिज़ाइन का सिंपल सा मंगलसूत्र बनाएंगे, एक लॉकेट का मंगलसूत्र। मंगलसूत्र बनाने के लिए मैंने ये बड़े साइज़ के काले मोती लिए हैं, आप देख सकते हो। ये लगभग 6 mm के हैं मोती, इसका साइज़। ये गोल वाले मोती हैं बड़े साइज़ के। आपको ये मोती किसी भी कॉस्मेटिक की दुकान पे या सुनार की दुकान पे मिल जाएगा आसानी से। ये मैंने गोल्डन मोती लिए हैं, ये लगभग 5 mm के हैं, आप देख सकते हो इसका साइज़। धागा लिया है, ये मंगलसूत्र गूंथने का धागा है, ये नायलॉन का होता है, बहुत ही महीन होता है, जल्दी टूटता नहीं है। ये लॉकेट लिया है मैंने, एक कुंडे वाला लॉकेट लिया है। आप इस लॉकेट के जगह पर कोई सा भी लॉकेट यूज़ कर सकते हो, एक कुंडे वाला, आप अपने मनपसंद अनुसार कैसा भी लॉकेट यूज कर सकते हो। सुई लिया है मैंने, ये मंगलसूत्र गूंथने की सुई है। इसमें पहले ही मैंने रील का धागा, सिलाई का धागा डाल के रखा है। पेच लिया है, जिसे फिरकी भी बोलते हैं, और पेच में यूज करने के लिए 2 छोटे मोती लिए हैं मैंने। इसको हम पेच में यूज करेंगे, पेच के दोनों भाग में। इंच टेप लिया है, कैंची लिया है, पिन लिया है और माचिस लिया है। ये सुई, धागा और मोती, ये सारे आपको कॉस्मेटिक की दुकान पे या फिर सुनार के दुकान पे या फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगा। ये हर जगह पे मिल रहा है, और ऐसा नहीं है कि जैसा मैं लॉकेट में डाल के गूँथ रही हूँ सेम आप वैसे लॉकेट में गूँथें। आप अपने इच्छा अनुसार कैसे भी लॉकेट में गूँथ सकते हैं, सोने के लॉकेट में या फिर आर्टिफिशियल लॉकेट में। मैंने सबसे पहले इंच टेप की सहायता से 1 मीटर का धागा माप लिया है, आप देख सकते हो, जो मंगलसूत्र गूंथने का धागा है वो लिया और 1 मीटर का धागा माप लिया और उसको दोहरा कर लिया, तो ये हो गया 2 मीटर का। और फिर एक बार लूँगी मैं तो ये हो जाएगा 3 मीटर का। इस तरह से हमें 3 मीटर का एक धागा लेना है लंबा। इंच टेप की सहायता से माप लेने से धागा सही रहता है, मतलब आपको परेशानी नहीं होगी कम ज़्यादा माप की। और मैं दोनों मुंह को एक साथ करूंगी, मैं कटे हुए दोनों मुंह को एक साथ लेकर इसको दोहरा कर लूंगी, धागे को सुलझा लेंगे हम। ये धागा बहुत जल्दी फंस जाता है और गांठ भी तुरंत लग जाती है, तो इस तरह आप ध्यान से इसको सुलझाइए। और दोनों मुंह को एक पास कर लिया है मैंने, इसको दोहरा मोड़ लिया। अब दोहरा मोड़ने के बाद इसको चौहरा मोड़ लिया मैंने, आप देख सकते हो किस तरह से मैंने किया, दोहरा मोड़ा, फिर से एक बार और मोड़ा, तो इस तरह से इसके 4 तह हो गए। और जिधर से कटा हुआ भाग आ रहा है हम उधर गांठ लगा लेंगे। गांठ लगा के हम सेक लेंगे इसको, आप इच्छा अनुसार 1 या 2 गांठ लगा सकते हैं। ज़्यादा मोटा भी गांठ नहीं लगाना है और कम भी गांठ नहीं लगाना है। ज़्यादा गांठ लगेगा तो जल्दी पेज में घुसेगा नहीं, वो बैठेगा नहीं, और कम गांठ रहे तो जल्दी खुलने का डर रहता है। इस तरह से आप पेज के छेद के अनुसार ही गांठ लगाइए। और दूसरे साइड में जिधर जुड़ा हुआ भाग है उधर हम सुई के धागे को बांधेंगे हम, ऐसे आप देख सकते हो। उसके बीचों बीच में मैंने सुई के धागे को डाला और बांध लिया, मंगलसूत्र के धागे के बीचों बीच में सुई के धागे को डाल के बांध लिया। अब हम पेच लगाएंगे। सबसे पहले पेच लगाने से पहले हम जो छोटे मोती लिए थे उस एक मोती को लेंगे और फिर एक पेच को लेंगे, मतलब पेच के एक भाग को लेंगे, और पेच का मुंह बाहर की तरफ रखेंगे। आप देख सकते हो किस तरह से, इस तरह से करना है, मुंह बाहर की तरफ रखना है। और पेच लगा लिया मैंने, अब हम गूंथना स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, आप घर पर आसानी से गूंथ सकते हो। और हम सबसे पहले 7 मोती डालेंगे काले वाले। और ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि मैंने जितने बड़े मोती लिए हैं आप एकदम सेम उतना ही बड़ा मोती लो, इससे थोड़ा छोटा भी रहेगा तो चलेगा, थोड़ा बड़ा भी रहेगा तो चलेगा, और ज़्यादा छोटा भी नहीं और ज़्यादा बड़ा भी नहीं, और आप इच्छानुसार बना सकते हो। मैंने पिन की सहायता से फंसा दिया ताकि इधर उधर ना हो और गूंथने में आसानी रहे। 7 मोती डालने हैं हमें काले वाले, और फिर एक गोल्डन मोती डालना है। आप गोल्डन मोती के जगह पे कोई और सा भी मोती डाल सकते हो, आप इच्छा अनुसार आपके, या फिर गोल्डन मोती ही डाल के बना लो, आप अपने हिसाब से कर सकते हो।
ऐसे सात सात मोती करके हमें गोल्डन मोती डालने हैं बीच बीच में। मैंने 10 गोल्डन मोती लिया है इस तरह से, आप देख सकते हो मैंने चार जगह पे गोल्डन मोती डाल लिए और बीच बीच में सात सात काले वाले मोती डाल लिए। अब हम यहाँ लॉकेट यूज़ करेंगे। लॉकेट यूज़ करने से पहले, लगाने से पहले एक गोल्डन मोती डालूँगी मैं। लॉकेट के दोनों तरफ एक एक गोल्डन मोती रहेगा। आपके पास गोल्डन मोती ना हो तभी भी आप काले मोती से भी गूँथ सकते हो सिर्फ, लेकिन थोड़ा गोल्डन मोती डाल देंगे तो खूबसूरत और दिखेगा। या फिर और कोई भी कलर आपको पसंद हो वो भी मोती डाल सकते हो। इस तरह से देखिए मैंने एक साइड का गूँथ लिया और सेम दूसरी साइड का भी हमें इसी तरह से गूँथ लेना है। ये बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, आप एकदम आसानी से घर पर गूँथ सकते हो, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह से मैंने गूँथ लिया है। अब फिर मैं पेच यूज़ करूँगी, पेच लगाऊँगी। पेच को डाल दिया मैंने, मुँह ऊपर की तरफ रखा इस तरह से, और फिर एक छोटी मोती लिया है वो डाला। सुई को धागे में से अलग कर लेंगे और हम गांठ लगा लेंगे। यहाँ पे गांठ लगा के जो एक्स्ट्रा धागा है उसे कट करके और सेक लेंगे। सेक लेने से ऐसा रहता है कि गांठ हमारी बैठ जाती है, खुलने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता है, आप देख सकते हो इस तरह से। और ये सारे मोती आपको हर जगह, मतलब ये मोती हर जगह मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं मिल रहा है वहाँ नहीं मिल रहा है। हमें एड्रेस बताने की ज़रूरत है या लिंक देने की ज़रूरत है। फिर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझसे सवाल कर रहे हैं कि आप लिंक दीजिए ये कहाँ मिल रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि मैं कहीं से ऑनलाइन नहीं लेती हूँ, मैं ये दुकान से ही लेती हूँ। और मतलब ये दुकान से ही आसानी से मिल जाता है और ये हर जगह मिल रहा है। अभी ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं मिल रहा है वहाँ नहीं मिल रहा है, मतलब लगभग हर जगह मोती सुई सब चीज़ें मिल जा रही हैं। अगर आप देख सकते हैं मेरा डिज़ाइन बनके तैयार हो गया। अगर आपको नहीं मिल रहा है ये मोती या मतलब आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कोई भी छोटा सा माला खरीद के जो आर्टिफिशियल होता है उसमें का मोती तोड़ के आप बना सकते हो मंगलसूत्र घर पर। आप देख सकते हो कितना सुंदर मंगलसूत्र बन के तैयार हो गया है हमारा मंगलसूत्र। नज़दीक से मैं दिखा रही हूँ, ये काले मोती बहुत ही शाइन कर रहे हैं, एकदम से चमकीले दिख रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे से जुड़े रहिए, तो इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।